Hello everyone, welcome back to BioBooster series, and today we are going to discuss a very important topic of class plus 2 biology, replication of DNA. ये जो टॉपिक है आपका जेनेटिक्स से रिलेटेड है और आप इसको जो है वो डिटेल में प्लस टू क्लास में पढ़ते हैं. वैदर इसका थोड़ा सा पोर्शन आपको टेंथ क्लास में भी है, लेकिन रेप्लिकेशन का जो होल प्रोसेस है, किस तरह से डीएनए रेप्लिकेट करता है, वो आप प्लस टू में पढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. इससे जो है आपके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं साथ साथ में डिस्कस करूँगी. सो फर्स्ट मैंने लिखा है ये होता क्या है, रेप्लिकेशन होता क्या है. सो रेप्लिकेशन इज़ अ प्रोसेस प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डीएनए, डीएनए की कॉपी बनना. वी नो दैट डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, है ना. इस तरीके का हेलिक्स बना होता है जिसको हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, डबल हेलिक्स बोलते हैं. और ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का, ये वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में एक्सप्लेन किया था. नेक्स्ट, व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए. सो सेमी कंजर्वेटिव मीन्स कि वो आधा कंजर्व रहता है, विच मीन जैसे ये डीएनए स्ट्रैंड है, पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड है, जब सेल डिवाइड करती है तो डीएनए भी आपका डिवाइड होके न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स बनाता है. तो यहाँ से आधा पेरेंट का डीएनए होगा और आधा उसमें न्यू बनेगा, मतलब आधा पेरेंट का डीएनए स्ट्रैंड कंजर्व है, इसीलिए उसको सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं. नेक्स्ट इज हु वॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है. मिल्सन एंड फ्रैंकलिन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है. अब प्रोसेस क्या होता है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है वो सेल साइकिल की कौन सी फेज में होता है, रिपीटेड क्वेश्चन, मैनी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम. सो द आंसर विल बी एस फेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी जो जी फेज, एस फेज, जी नॉट फेज, जी वन फेज, एम फेज, उसमें से रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, एस फेज ऑफ सेल साइकिल. नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, स्टेप नंबर वन क्या रहेगा रेप्लिकेशन के लिए, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. अब जितने भी न्यूक्लियोटाइड होंगे सेल के अंदर, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे रेप्लिकेशन के लिए. सेकेंड स्टेप इज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, विच मीन जैसे डीएनए स्ट्रैंड में, ये डीएनए स्ट्रैंड है, इसको मैं ओपन करके अगर बनाऊँ, उस पर कोई एक साइट होगी जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होगी, इनिशिएट होगी. तो वहाँ पे हमें क्या एक पॉइंट जो है वो रिकॉग्नाइज करना है, जिस पॉइंट को हम इनिशिएशन पॉइंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, इनिशिएशन पॉइंट. अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स का डीएनए शॉर्ट होता है, लेंथ कम होती है, इसलिए उसमें सिर्फ एक इनिशिएशन पॉइंट होता है, ठीक है, क्वेश्चन. और यूकैरियोटिक सेल्स में मैनी इनिशिएशन पॉइंट्स होते हैं, मोर, ठीक है. ये दोनों क्वेश्चन है आपको याद रखने हैं. थर्ड स्टेप देखें तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, इंसीजन हो जाता है, इंसीजन ऑफ डीएनए, मतलब कुछ डीएनए है उसमें कट लग जाएगा. डीएनए स्टैंड यहाँ से देखो, आपको कट लग गया और यहाँ पे एक बबल लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, रेप्लिकेशन बबल बोलते हैं उसको, क्या, रेप्लिकेशन बबल, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अनजिपिंग ऑफ डीएनए, मतलब अब जो डीएनए स्ट्रैंड है वो कट तो हो चुका है, उसके फ्रेगमेंट देखो यहाँ से अलग अलग हो गए, लेकिन क्या होगा यहाँ पे, जो जैसे मैं आपको बताऊँ कि ये कोई डीएनए स्ट्रैंड है, इसके बॉन्ड जो हैं इनको अनजिप करना है, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करेगा आपका, तो यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है जो कि अनजिपिंग में हेल्प करता है, ठीक है, हेलिकेज एंजाइम यहाँ पे काम करता है. नेक्स्ट इसमें क्या है कि यहाँ से देखो, जो एडेनिन और थाइमिन होते हैं, ए स्टैंड्स फॉर एडेनिन, टी स्टैंड्स फॉर थाइमिन, उसके पास कम एनर्जी लगती है, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है, और सी एन जी, साइटोसिन एंड ग्वानिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है उनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए. नेक्स्ट स्टेप इज़ यूज़ ऑफ SSBP, सिंगल सेल्ड बेसिक प्रोटीन या बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है. ये प्रोटीन्स का यूज़ होता है
कि जो डीएनए के स्ट्रैंड अनजिपिंग जिसकी हुई है वो वापस से जुड़ ना जाए, उसके बॉन्ड वापस से जुड़ ना जाए। इसको कौन रोकता है? सिंगल स्ट्रैंड प्रोटीन्स। नेक्स्ट स्टेप देखो, फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क। इस तरह का स्ट्रक्चर जब बन जाता है, ठीक है, ये स्टैंड ओपन हो जाएंगे और यहाँ पे फोक लाइक अपेयरेंस हो जाएगी, जिसको हम रेप्लिकेशन फोक बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर का क्या मतलब है? देखो, जब ये रेप्लिकेशन फोक बनती है, मैं आप इस पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब ये रेप्लिकेशन फोक बन जाएगी तो यहाँ से क्या होगा, स्टैंड बनना शुरू कर देगा। एक स्टैंड इस तरीके से बनता है, दूसरा ऐसे बनता है, ठीक है, ब्रेक्स में बनता है। तो ये जो नए स्टैंड्स बन रहे हैं इनको ही हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमर स्टैंड्स बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो स्टैंड्स बन रहे हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी इनके नेम। अब देखो, नेक्स्ट है न्यू स्टैंड की फॉर्मेशन, मैंने आपको बोला। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ स्टैंड ब्रेक्स में बनेंगे, ठीक है, फ्रेगमेंट्स में बनेंगे, और कुछ कॉन्टिन्यू बनेंगे। अब जो कॉन्टिन्यू होता है उसको हम बोलते हैं लीडिंग स्टैंड, और जो फ्रेगमेंट्स में बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? लैगिंग स्टैंड। और ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं इनको हम उकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं। तो क्वेश्चन क्या आपका क्लियर होना चाहिए कि उकाजाकी फ्रेगमेंट्स कौन से स्टैंड पे बनते हैं? सो आंसर विल बी लैगिंग स्टैंड, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। और एक और चीज़ याद रखना कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो ज्वाइन करता है आपका 5-3 डायरेक्शन, जो कि न्यू डीएनए को बनने में हेल्प करता है। पॉलीमरेज मतलब कि पॉली मतलब ज़्यादा, ज़्यादा चीज़ें बनाने में हेल्प करेगा। और यहाँ पे क्या बन रहा है? डीएनए स्टैंड बन रहा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ऑल उकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर जॉइंड बाय द एक्शन ऑफ लाइगेज एंजाइम। अब क्या ये उकाजाकी फ्रेगमेंट ऐसे नहीं रहेंगे? ये जैसे पेरेंटल स्टैंड है, ये आगे नया स्टैंड बना, तो ये तो बिल्कुल ऐसे बन गया। अब बाद में ये भी ज्वाइन हो जाएंगे, और ये जो फ्रेगमेंट्स थे ये ज्वाइन हुए किस एंजाइम की हेल्प से? लाइगेज एंजाइम की हेल्प से। आपने हमेशा याद रखना है कि लाइगेज एंजाइम हमेशा ही ज्वाइनिंग में हेल्प करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेप्लिकेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम जेनेटिक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।